हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के समक्ष ज़िंदगी के नज़रिए को लेकर बात करना चाहती हूँ। इसे मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है एक अधूरी दास्तान। एक अधूरी दास्तान, अच्छे से सुनिएगा और इससे सीख लेने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कविता। आसमान से उतरे एक सितारे ने, आसमान से उतरे एक सितारे ने देख के धरती के नज़ारों को, आसमान से उतरे एक सितारे ने देख कर धरती के नज़ारों को, सोचा मैं भी कुछ नाम कमाऊँ, सोचा मैं भी कुछ नाम कमाऊँ, इस धरती पर अपनी पहचान बनाऊँ, इस धरती पर अपनी पहचान बनाऊं। देखकर इस चकाचौंध इस दुनिया का, देखकर इस चकाचौंध इस दुनिया का, वह भी कुछ ख्वाब बुनने लगा, वह भी कुछ ख्वाब बुनने लगा, अपने सपने को पूरे करने के लिए तरह तरह के धुन सुनने लगा। इस सपनों के साथ इसकी गतियां बढ़ने लगी, इस सपनों के साथ इसकी गतियां बढ़ने लगी, दिन प्रतिदिन निरंतर वह प्रगति करने लगी। किस्मत की मेहरबानियाँ उस पर हो रही थी, किस्मत की मेहरबानियाँ उस पर हो रही थी, खुशियाँ उसके दामन को फूल से भरने लगी, खुशियाँ उसके दामन को फूलों से भरने लगी। अब वह पंखों को फैलाए उड़ान भर रहा था, अब वह पंखों को फैलाए उड़ान भर रहा था, सारा आकाश को समेटने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अचानक किस्मत ने करवट बदली, कुछ ऐसी आहट जिसने उसे न सुनी। एक दिन किस्मत ने करवट बदली, कुछ ऐसी आहट जिसे उसने न सुनी। आसमान से भी ऊंचे उड़ने ख्वाब रखने वालों की किसी ने पंखों को कतरने की साजिश बुनी, किसी ने बेदर्दी से पंखों को कतरने की साजिश बुनी। तरह तरह की साजिशों के द्वारा उस अज्ञात ने उसके मंसूबों पर अब पानी फेरना शुरू किया। तरह तरह के साजिशों के द्वारा उस अज्ञात ने उसके मंसूबों पर पानी फेरना शुरू किया। तरह तरह की गतिविधियों द्वारा उस शैतान ने मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना शुरू किया अचानक से इस परिवर्तन को वह सितारा भाप न सका। क्यों हुआ, कैसे हुआ, परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल, वह इसे माप न सका। इस झंझावत ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया, जहाँ सब्र का दामन छूट चुका था और बेबसी ने उसे जकड़ लिया। अब कोई राह न बची थी, जीवन अंधकार हो गया था। अपने ख्वाबों के पिटारे को साथ लिए वह सितारा जा चुका था। बस छोड़ गया था कुछ यादें और अपने चाहने वालों को रुला गया था। बस छोड़ गया था कुछ यादें और अपने चाहने वालों को रुला गया था। मरना नहीं जीना चाहता था, अपनी खुशी और अपनी सफलता का रस पीना चाहता था, अपनी खुशियाँ और सफलता का रस पीना चाहता था। वह चला गया पर छोड़ गया एक प्रश्न इस समाज पर, वह चला गया पर छोड़ गया एक प्रश्न समाज पे, क्या उसके जैसे ख्वाब देखने वाला कोई सितारा कभी आगे बढ़ सकेगा? क्या उसके जैसा ख्वाब देखने वाला कोई सितारा कभी आगे बढ़ सकेगा? आशा करते हैं आपको इस कविता से काफ़ी सीख मिली होगी। इस कविता से हमें सीख मिलती है, हमें अपनी परिस्थितियों से डटकर सामना करना चाहिए ताकि हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। इसी पर मैं एक शायरी कहना चाहूँगी। मंजिल इंसानों को हौसले अजमाती है,
मंजिल इंसानों के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी के बात से हिम्मत मत हारना, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मैं प्रियंका कुमारी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए ताकि अपना अस्तित्व बना रहे। इसीलिए हम एक और शायरी कहना चाहते हैं, जिंदगी में जीत और हार, जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है, जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है, जो मान लेता है वो हार जाता है, जो मान लेता है वो हार जाता है, जो तान लेता है वो जीत जाता है, जो तान लेता है वह जीत जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जो लाइन पसंद आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।